2020 वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, इस बार का थीम है आई एम एंड आई वी। ये पूरा वर्ल्ड कांग्रेस कैंसर का जो ये थीम डिसाइड करता है और उसको हम पूरा साल भर उसको फॉलो करते हैं। हमारा आज का यहाँ पे सबका मिलने का ये है कि हमारे द्वारा जो मरीज ट्रीट किए गए हैं, जो 12 साल 15 साल 9 साल पहले ट्रीट किए गए हैं, हमने उन सबको कॉल किया है और वो लोगों को एक जन संदेश दें कि कैंसर से डरे नहीं, उसका पूरा इलाज लें, उसमें आत्मबल अपना दिखाएं और अच्छे तरीके से पता करके कि जो पूरा ट्रीटमेंट है वो लें ताकि हम उससे जीत सकें और कैंसर को पूरी तरह से पराजय कर सकें। तो कितने पेशेंटों को बुलाए हैं? हमने करीबन 12 मरीजों को बुलाया है। 12 मरीज जो लंबे समय से पहले हमारे यहाँ इलाज लिए हुए हैं उनको ज़्यादातर बुलाया गया। एक महिला थी अभी, वो बता रही थी कि जी, वो जी की जो उन्होंने अपने बताया, तो उन्होंने जो खर्चा बताया वो खर्चा, हाँ जैसे अभी अंदर यही डिस्कस हुआ था कि पहले एक दवाई थी जिसका नाम है हर्सेप्टिन या ट्रास्टुजुमैब, जो पहले 70,000-80,000 की एक वायल पड़ती थी, जो अब DPCA के आने के कारण से वही दवाई अब 8,000 की हो गई है। तो पहले जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर में वो रिसेप्टर पॉजिटिव पाया जाता था, हम उन लोगों में ये दवाई दिया करते थे और वो दी थी और कम से कम उसके 12 से 14 साइकिल लगते थे। तो 12 से 14 साइकिल अगर आप जोड़ेंगे तो करीबन 12-13 लाख-14 लाख की वही दवाई पड़ जाती थी, जो कि अब आप मानेंगे तो पूरे के पूरे साल में 70,000 में ही ख़त्म हो जाए। खर्चा बहुत कम, बहुत कम। मैं डॉक्टर अर्पण चतुर्माता, मैं MCA चौंको सर्जन, संजीवनी CBCC USA कैंसर।